दोस्तों, बॉबी देओल शाहरुख खान के प्रोडक्शन में फिर काम करने जा रहे हैं। मैं फिर इसलिए बोला, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि उसके पहले वो रेड चिली के साथ जुड़े रहे और काम करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही जो शाहरुख खान के बेटे हैं आर्यन खान, वो भी बॉलीवुड में पैर अपना रखने जा रहे हैं। और दोनों जो जो न्यूज़ है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्यों जुड़ी हुई, इस सब बातों पे मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ, संगे संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप हर वीडियो देख पाएं। कमेंट करते रहिए, आपके हर कमेंट का मैं जवाब देता हूँ, तो इसलिए कमेंट करते रहिए। चलिए, देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक खबर आ रही है कि आर्यन खान एक वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं और उसके डायरेक्टर खुद है। मतलब वो पहला, मतलब मुझे लग रहा है कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा, किसी को अगर इस बारे में जानकारी हो तो जरूर मेरे को बताएं कि पहले ऐसे स्टार सन हैं, बड़े स्टार के पुत्र की बात कह रहा हूँ, जो डायरेक्शन के थ्रू बॉलीवुड में कदम रख रहे हैं और वो जाना बनाने जा रहे हैं एक वेब सीरीज। और वेब सीरीज का नाम है स्टारडम। ये वेब सीरीज के जो और कास्टिंग है उसको गुप्त रखा गया है, काफ़ी टाइम से इस पर काम चल रहा है। और इंडिया टुडे के हवाले से खबर बताया जा रहा है कि इस वेब सीरीज दिल्ली के ऊपर बेस है, जो एक लड़का है दिल्ली से कैसे आके बहुत बड़ा स्टार बन जाता है। तो अभी इसको जैसे ही आपको दिल्ली के लड़के का पता चलेगा, वैसे ही आपके दिमाग में एक ही जहन में आएगा कि ये शाहरुख खान के ऊपर बेस होगी। पहले भी शाहरुख खान के ऊपर एनडीटीवी इंडिया ने ऐसा सीरीज बनाया था, काफ़ी बड़ा सीरीज था वो। लेकिन अब पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर अभी उन्होंने जाहिर नहीं किया, लेकिन ये सबसे बड़ी खबर आ रही है कि इस जो सीरीज में बॉबी देओल से वो लोग बात कर रहे हैं और बॉबी देओल इसमें लीड करेक्टर करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये इंडिया टुडे के हवाले से खबर है। अब कितना सही है, कितना गलत है, क्या रूमर है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर ये खबर है तो ये अपने आप में भी बड़ी खबर है। क्योंकि बॉबी देओल का उस वेब सीरीज में जुड़ना, और आपको पता ही है कि जब से बॉबी देओल के पिक्चर एनिमल जो हिट हुई है उसके बाद से उनके पास काम के लिए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन कंपनी जो है वो बार बार अप्रोच कर रही है। और इसके वजह से कई ऐसे रूमर्स आ जाते हैं जो सच्चाई, और मैं कह रहा हूँ कि कहीं मैं नहीं बनाता ये रूमर। ये देखिए कि जो मैंने पहले बताया था कि रामायण मूवी में बॉबी देओल काम कर रहे हैं, उसमें वो कुंभकर्ण का रोल कर रहे हैं, तो ये आप पिंक विला का न्यूज उठा लीजिए, बॉलीवुड लाइफ उठा लीजिए, आपको एबीपी न्यूज का मैसेज है, तो मतलब ऐसा नहीं कि हवा में बातें बताई गई। लेकिन क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि ये लोग भी बड़े बड़े न्यूज चैनल मीडिया जो दिन भर इसके इनके पास इतनी भारी भरकम अपना टीम है, उसके बावजूद भी अगर ये मिसगाइड हो सकते हैं तो हमारे जैसे लोग तो मिसगाइड हो ही जाएंगे। तो इसलिए खबर बाद में आया कि नहीं, दूसरे दिन ही आ गया कि ये न्यूज़ जो है उनके टीम ने, बॉबी देओल के टीम ने इस बात को डिनाई किया कि ऐसा कोई भी मैसेज नहीं है, ऐसा कोई भी कुंभकर्ण के रोल करने का कोई उनके साथ, यानी जो नितेश तिवारी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन ये खबर अब देखिए इंडिया टुडे के मार्फत आ रहा है, कितना सच्ची है ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन मुझे लगा कि अगर ये खबर है, इंडिया टुडे बोल रहा है, तो आपके साथ शेयर करना चाहिए। और ये बता रहा है कि इसमें राइटिंग का काम जो है वो पूरी हो चुका है, शूटिंग भी चालू हो चुका है। आर्यन खान है, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो शेयर किया और फोटो शेयर करने के साथ एंटरटेनमेंट स्क्रिप्ट का भी शेयर किया। उन्होंने फोटो शेयर किया करते हुए लिखा कि इस सीरीज से वो इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत करेंगे रिपोर्ट्स के मुताबिक। अब रिपोर्ट्स बता रहा है कि सीरीज का नाम स्टारडम है, हालांकि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। अब ऑफिशियल इसके अनाउंसमेंट नहीं है, ये इंडिया टुडे की खबर है, लेकिन ये उन्होंने शेयर किया अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे और ये बताया भी। और इसके कास्टिंग वगैरह पे काम चल रहा है, लेकिन ये राइटिंग का काम पूरा हो चुका है। अब बॉबी देओल इसमें लीड करेक्टर करेंगी इस जो न्यूज़ के हिसाब से, तो देखते हैं क्या वेब सीरीज होता है बेबी कि बॉबी देओल का क्या करेक्टर होगा। क्योंकि अगर दिल्ली के करेक्टर रोल के हिसाब से करेंगे, दिल्ली में क्या लड़का आया, तो वैसा तो शाहरुख खान का ही मेरे को कहानी समझ में आता है, तो उसमें बॉबी देओल कैसे लीड करेक्टर करेंगे तो देखने वाली बात होगी। जब पूरा इसके ऊपर ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट अगर डाटा आएगा तब पता चलेगा कि हाँ कहाँ पे है। तो
ये एक बहुत बड़ी खबर है और मुझे लग रहा है कि वेब सीरीज में बॉबी देओल पहले भी काफ़ी जो उनका आश्रम आया था उसमें काफ़ी 3 वॉल्यूम तो बहुत अच्छा चला जिसकी वजह से उनको अवार्ड भी मिला है। तो अगर देखा जाए तो वेब सीरीज भी आज ऐसा नहीं बोल सकते कि वेब सीरीज का टाइम नहीं है। बहुत ऐसे एक्टर हैं जो वेब सीरीज में कर रहे हैं और वेब सीरीज आप देखे होंगे सैफ अली खान का भी जो पहला वाला वेब सीरीज था वो काफ़ी हिट हुआ था, लेकिन अब दूसरा वाला वॉल्यूम उनका जो है वो हिट नहीं हो पाया था। तो काफ़ी अभी देखिए OTT प्लेटफॉर्म को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। मूवी अभी देखिए एनिमल भी OTT पे आ रही है। तो कहने का मतलब है कि आज OTT प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा ऑडियंस हो गया उसके पास, तो इसलिए आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। और इसकी वजह से वेब सीरीज बड़े बड़े स्टार, आप हॉलीवुड में भी जाइए बड़े बड़े स्टार लोग वेब सीरीज कर रहे हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई छोटा प्लेटफॉर्म है, आज के टाइम में OTT अपने आप में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। तो देखते हैं उसके बाद क्या मैसेज आता है, कैसी ये बन के आती है। तो उसके बाद अगर कोई और खबर आएगा तो जरूर बताऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।